यह इलाका देश की राजधानी दिल्ली क्षेत्र के किराड़ी इलाके का है, जहां पर लोग मजबूरन लोहे के छोटे छोटे पुल बनाने पर मजबूर हैं। लोगों के घरों में पानी भर चुका है, मजबूरन ये पुल बनाए गए हैं। मानसून की पहली बारिश ने ही यूं तो पूरी दिल्ली की पोल खोल के रख दी है। सारे विकास धरे के धरे रह गए, जिधर देखो पानी ही पानी, पानी के अंदर गाड़ियां समा गई। लेकिन पूरी दिल्ली में किराड़ी की बात करें तो यहां पानी लगभग यूं ही भरा रहता है, क्योंकि निकासी का कोई भी जरिया नहीं है। हल्की सी भी बारिश आने के बाद हालात यूं हो जाते हैं मानो भयंकर बारिश हो गई हो। ये जो पुल देख रहे हैं आप, जो लकड़ी के और लोहे के बनाए गए हैं, किराड़ी के लगभग हर हिस्से में आपको मिल जाएंगे। अगर वार्ड 44 की बात की जाए, जो कि अगर नगर कहलाता है, वहाँ पर तो हालात नर्क से बदतर है, जहाँ पर लोगों का जीवन कीड़े मकोड़ों से भी बदतर बनता जा रहा है। आप स्वयं देख सकते हैं किस प्रकार लोगों ने छोटे छोटे आने जाने के लिए माध्यम बनाए गए हैं। ये हालात वार्ड 44 के हर उस घर के हैं जो विकास के नाम पर बनाई गई नालियों और सड़कों के निर्माण के कारण घर जमीन के नीचे धंस चुके हैं, और सड़कें और नाली इस तरीके से बनाई गई हैं गलियों की कि उसमें से पानी मोटे मोटे पत्थर होने की वजह से, प्रॉपर मटेरियल नहीं डलने की वजह से, वो मलबे में से जो बारिश का पानी होता है वो सीधा लोगों के घरों में घुस जाता है और ज़मीन से पानी निकलता है। तो इस प्रकार से हालात और बद से बदतर हो जाते हैं। क्या नाम है जी आपका? सुरेश। सुरेश जी, ये क्यों बनवा रहे हो आप? ये मैं पानी में बनवा रहा हूँ जी, पानी घर में घुस गया जी। अच्छा, और ये बनवाने के बाद बच्चे परेशान हो रहे मेरे, सब देखो छत पे खड़े हैं। अच्छा, आप ही के बच्चे हैं? हाँ, मेरी घर वाली बच्चे, तीन बच्चे हैं। तो घर में पानी भर रहा हुआ, गली में पानी भरा, इसलिए बनवा रहा हूँ। तो ये कितने का पड़ा आपको? ये 6,000 रुपये का। 6,000? असल कहानी यही है। कितने का है? असल कहानी, अगले बार भी कहानी यही था। विधायक के पास गए, विधायक कह रहा है कि भैया आप टेंशन से पी के सो रहे हैं। पार्षद बोले हैं, पार्षद के पास गए। हाँ, तो गए तो बोले टेंशन से पी के सो रहे हैं। अच्छा, हाँ इसे बोले गए अगला बार में। अगला बार सारे मजदूर जो भी है, काम धंधे वाले बंदे हैं जो भी है, घर में सबके पानी घुसा हुआ है। हम लोग तो बुरा हाल है सर जी, सबके घर में घुसा हुआ है। मुझे पता है ना, बच्चों की दिक्कत, हमारी दिक्कत, निकलने बढ़ने की सबकी दिक्कत हो रही है, इसलिए हम लोग ये बनवा रहे हैं। ये इसी के लिए बना रहे हो भैया? आगे जोड़ने के लिए मतलब आगे जोड़ोगे ना इसी में घर के घर से? इंतजाम होता है, किसी के पास नहीं हो पाता। सही बात, सही बात। इस तरह से लोग पानी से बचने के लिए जो गलियों में भर चुका है, इस जुगाड़ सिस्टम का सहारा ले रहे हैं जो ये मैकेनिक भाई बना भी रहे हैं। और इसकी जो लागत बता रहे हैं, दो जालों की कीमत लगभग 8,000 के आसपास, 10,000 के आसपास बताई जा रही है, जो बेचारे खुद लोग लगवा रहे हैं। मलवा डलवाएंगे तो बह जाएगा पानी में, इसलिए हम थोड़ा ऊंचा करवा रहे हैं। इतना पानी भरा हुआ है, इतना पानी इनके घरों में भरा हुआ है, पड़ा है, पूरा भरा हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, पानी रास्ता नहीं है, बिल्कुल बेकार हो रखा है। बेकार हो रखा है। अच्छा, ये पूरे यहाँ से वहाँ तक पूरे जाते, इतना पानी भरा हुआ है कि 4 दिन हम लोग पानी निकाल, सामान वामान निकाल रहे, जा रहे हैं।